हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना राज भाई, और आज आपके सामने देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू हमारे पास आ चुकी है डायरेक्ट फ्रॉम शोरूम हिमालयन 450। देखो टीका भी लगा हुआ है और भाई साहब ये रहे जो भाई साहब लेके आए। तो सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पास, जो आप अर्ली मॉर्निंग आप आए हमारे पास। तो पहले तो बताइए कि आपने ये क्यों सोचा कि सिर्फ हमारे से ही करानी है? भैया मैंने आपकी ना बहुत सारी वीडियोज़ देखी थी, काम देखा, तसल्ली बख्श काम करते हो तो अच्छा लगा, और मुझे लगा कि आपको एक मौका देना चाहिए। और शौक है बाइक का मुझे, तो मैंने कहा वो आप ही समझ पाओगे जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे कल अपॉइंटमेंट लेके और जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी आ गया हूँ आपके पास। वैसे सुबह 8 बजे आ गया था, 8 बजे आ गया हूँ मैं। तो मैं यही बस आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस हिसाब से आपने मेरे को इंतज़ार करवाया ना, उस हिसाब से तसल्ली बख्श मेरे काम कर देना बिल्कुल। अभी देखो, अभी ना मैं बाइक का दिखाता हूँ, देख सकते हैं अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं लगा हुआ है इसके अंदर। आप चेकआउट कर लो, इसके अंदर A to Z 112 जैसी आती है शोरूम से डायरेक्ट वैसी है। और अभी का सिनेरियो आप ये देख लो, और अभी सुबह के बज रहे हैं 9, शॉप हो चुकी है ओपन क्योंकि भैया जल्दी आ गए थे इसलिए। और लोकेशन आप देख लो, ये देखिए सामने ना सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति जो कि हमारी शॉप से बिल्कुल जस्ट अपोजिट दिखती है। तो अब इसको लेते हैं अंदर और उसके बाद दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या काम करने वाले हैं और क्या क्या काम इसके अंदर होगा। पूरा व्यू दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि हम आपको सिर्फ डायरेक्ट वीडियो दिखा देंगे जी ये हो चुका है। जो भी इसके अंदर डलेगा उसका हम एक एक शूट करेंगे और फिर दिखाएंगे प्रॉपर तरीके हिमालयन की वीडियो जो कि आप हमारे देखते हो कि हम कैसे काम करते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए सिनेरियो के अंदर अंदर लगने के बाद ना इसका जो सबसे पहला काम है लैमिनेशन कर रहे हैं हम। लैमिनेशन के लिए हमने क्या किया है, पीछे का जो मडगार्ड है इसे निकाल दिया है, क्योंकि इसे निकालने के बाद ना इसमें प्रॉपर तरीके से हो जाएगी, अदरवाइज़ क्या होता है प्रॉपर नहीं हो पाएगी, खाली पीछे हल्का हल्का सिर्फ इतना आधा पोर्शन होता। तो ये लैमिनेशन के लिए खोला गया पीछे का पार्ट्स, और इसे करते हैं लैमिनेशन, बाकी टैंक करते हैं लैमिनेशन। और अभी इसका ना आगे का मडगार्ड भी ओपन करवा रहे हैं, ये जो मडगार्ड है ये भी ओपन कराएंगे, क्योंकि जब ये ओपन हो जाएगी ना तो फिर उसके बाद क्या प्रॉपर काम हो जाएगा पूरा फिनिशिंग वाला, वरना इसमें नॉर्मली यहाँ तक लोग करते हैं। लेकिन पता ना कि काम जब बेस्ट कराने बंदा आया है तो ऑब्वियसली बात है बेस्ट ही किया जाएगा, और बाकी जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे आपको दिखाते रहेंगे कि इसके अंदर क्या क्या हो चुका है और क्या क्या हो रहा है। तो वीडियो बनाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। राजू भाई SKD को लैमिनेशन स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये होती है पानी से, कि बिना पानी के दिक्कत करती है लगने में, और फिर निशान वगैरह भी आए थे तो ये पानी वाली होती है जिसके अंदर करी जाती है। साथ में लेग गार्ड आप देख सकते हैं, क्रैश गार्ड जो इसका है वो इंस्टॉल हो रहा है धीरे धीरे, देख लो आप। ये प्रॉपर वाला होता है, एक फिटिंग उधर होगी, एक आपकी इस तरफ होगी और एक आपकी होती है इस तरफ, ये देखिए इस तरफ। तो बाकी पूरा फिट होते हैं तो फिर दिखाता हूँ आपको, इतने आप इंजॉय करो वीडियो को। इसके अंदर अब जो इसका जो वो था डीकैट, ये देख सकते हैं अंदर ए सी कैथलिंग है, ये इसकी निकाल दिए जो कि आप देखते हो हमेशा निकाल देते हैं, हमें अच्छा लगता है कि गाड़ी का वेट कम हो जाए। और इसके बाद इसमें लगा दिया गया देख सकते हैं बैंड पाइप जो कि डीकैट है, ये पूरा प्रॉपर है यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा फिटमेंट हो गया है। और अब आपको इसके पहले ऐसे ही साउंड सुना, फिर उसके बाद आपको सुनाएंगे इसका ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगाकर इसकी साउंड कैसी आने वाली है। तो एक नंबर लग रहा है अभी तो। और अब इसके बाद इसका लगाते हैं ओरिजिनल वाला और इसके अंदर साउंड चेकआउट करते हैं कैसी आती है लगाने के बाद। साउंड की साउंड बढ़ गई। हाँ जी बढ़िया जी, आप लोग क्या कहते हो? तो इसे लगाने के बाद ना पता क्या, एक तो एग्जॉस्ट आपको ओरिजिनल ही हो गया और दूसरा साउंड जो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है तो काफी अच्छी साउंड है। देखो ये देखो इसकी साउंड सुन लो, यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से एग्जॉस्ट का साउंड खत्म, इंजन की साउंड पूरी ऑन हो चुकी है। तो आप लोग आपको दिखाई मैंने दोनों की साउंड कैसी कैसी साउंड आती है एग्जॉस्ट का, अगर वो कैथलिंग निकालते हैं तो बिना कैथलिंग वाले का। तो वीडियो बने रही है, काम इसका ऑलमोस्ट डन हो चुका है, इसमें फॉग लैंप लगने और हैंड गार्ड लगने बाकी है और एक मोबाइल होल्डर, बाकी सारा कुछ इसके अंदर हो चुका है। लैमिनेशन वर्क जो अभी थोड़ा सा चल रहा है, बैक साइड आप देख सकते हैं जो निकाला था ये भी हो चुका है पूरा,
कंप्लीट, ये देख सकते हैं लेमिनेशन, और जो इसके अंदर सैडल लगाना, सैडल लगाना जेरिकन वाले, और फ्रंट के अंदर ये देखो, देखो ये पूरी प्रॉपर करी गई है यहाँ से लेकर और पूरी यहाँ से यहाँ तक। तो खोलने का ना ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि खोलने के बाद समझ जाओ कि आपका जो काम है ना वो पूरा प्रॉपर हो जाता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है अगर आप हमसे कराते हैं तो, बाकी को पता नहीं है। गाइस आप देख सकते हैं इसके अंदर ना, जैसे कि आपने देखा कि हम हिमालयन के अंदर ड्यूल फॉग लैंप्स हमेशा लगाते हैं, चाहे कोई सी भी आपकी हिमालयंस हो, क्योंकि इसके अंदर ना ड्यूल ही इसके अंदर ज़रूरी होती है। एक आप देखते हैं हार्नेस वाली और एक बिना हार्नेस वाली। ये देख सकते हैं ये न्यू मिनी ड्राइव हाईवे, इसके अंदर डेविल भी होती है और साइड में लाइटिंग भी होती है इसके अंदर, और दोनों तरफ मिलेगा आपको इसके अंदर, और इसकी वायरिंग अभी चल रही है अंडर प्रोसेसिंग। और एक हमने निकाल दिया 70 वाट की, जो कि आपने देखा होगा हमारी बहुत सारी बाइकों के अंदर, और इसमें भी हम लगाएंगे हार्नेस, इसमें भी आपकी लगेगी हार्नेस, जो कि आपको मिलेगी एच जे जी ओरिजिनल, देख सकते हो ये भी एच जे जी की है लोकल, ये भी नहीं होगी, ये इसके अंदर इंस्टॉल होगी। और वायरिंग इसकी कैसे होती है वो आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे कि किस तरीके से इसकी वायरिंग होती है। अंडर प्रोसेसिंग अभी चल रहा है काम इसका, और दिखाता हूँ कि और कौन कौन सी बाइकों में ऐसे लगते हैं। देखिए ये भी हिमालयन है, इसके अंदर भी लगा रखी है हार्नेस, ये ऊपर भी बिना हार्नेस है, नीचे वाली हार्नेस है। ये लुक चेकआउट कर लो इसकी भी, ये वही 70 वाट वाली है जो उसमें लग रही है। एक बाहर खड़ी है हिमालयन, बाकी आप देख लो, और बाकी जब इसके बाद हो जाती है तो मैं दिखाता हूँ आपको वायरिंग का काम होने के बाद कि कैसे वायरिंग होती है इसकी, कैसे नहीं है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, अब जो वायरिंग थी ना, जो कि मैं आपको दिखा रहा था स्टार्टिंग के अंदर, दो फॉग लैंप्स के अंदर लगाई हैं, एक आपकी ये रही, एक आपकी ये रही, और वायरिंग देख लो, ये जो कपलर है, ये हम जो करते हैं ना काम, कपलर टू कपलर होता है, देख सकते हैं आप, ये बटन है, ये बटन है, ये कपलर है, और ये कपलर की वायरिंग है, और इसके अंदर जो होगी प्रॉपर फिटमेंट देख सकते हो आप, ये इसके अंदर कपड़ा लगा दिया गया है। और एक कपड़ा आप देख सकते हैं ये पहले से हम इंस्टॉल कर चुके हैं, जो कि मिलती है आपको इस वाली लाइट की। तो ये इसकी फिटमेंट जो मैंने आपको चेकआउट करा दी कुछ इस तरीके से। अब आप देख लो वायरिंग वगैरह भी पूरा अंदर करने के बाद ना, ये आपको कुछ भी नज़र नहीं आने वाला है, इसका सब कुछ आपका इंटरनल रहेगा। जो कि मैं आपको वायरिंग पता क्यों दिखाता हूँ, कि वायरिंग देखने का मतलब ये होता है कि आप ना कहीं भी कभी भी बेवकूफ़ ना बने किसी और के पास। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले वायरिंग चेक करूँगा। आप देखो इस तरफ देख ली, अब मैं एक बार आपको दूसरी तरफ वायरिंग चेक करवाता हूँ कि इधर वायरिंग कैसी होने वाली है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसे कहते हैं प्रॉपर फिटमेंट, जो कि लुक चेकआउट कर लो कहीं से कहीं तक। ये लो जितना मर्जी जूम करके दिखा दो, ये लो जी, ये आपको नजर आ रही है, ये लो बैक साइड में देखो, ये लीजिए, ये इसकी लीड जा रही है, ये वायरिंग जा रही है इसकी, ये देखो जी अंडरग्राउंड, कोई भी आपको फालतू का कुछ नहीं दिखेगा, अंडरग्राउंड सारी वायरिंग होती है, जो भी आपके हार्नेस वाली होती है ये भी। और आप देख सकते हैं कहीं से भी कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र नहीं आने वाला इसके अंदर। तो ये होती है फिटमेंट। और थोड़ा सा ना मैं भैया को थोड़ा तंग करूँगा इस टाइम बीच में, सर बताएंगे अभी तक का कैसा रिस्पॉन्स है भाई? बहुत खुश कर रखा है, दिल खुश कर रखा है, बिल्कुल घर वाला माहौल है, और यकीन मानना बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं किसी शॉप पे बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है घर पे बैठ के काम करवा रहा हूँ। मज़ा आ रहा है, लिटरली मज़ा आ रहा है, और इतना बढ़िया खाने को भी मिल रहा है ना। और एक ये सर भी है, सर आपको कैसा बेहतरीन महसूस लग रहा है? एकदम बढ़िया, वो तो आपको पता ही है, मैं बार बार देखूंगा चैनल पे आपको कह रहे मैं बार बार आपके चैनल पे आता हूँ तो आपको भी आना ना, ऐसे कोई काम कराना है तो आपको आना क्या, देख लो राजू भाई की शॉप पर, सब सुख लाए तुम्हारी सर ना, तुम रक्षस कहूँ को डरना, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बैठे हैं ना, ये देखो ये बैठे हैं, तो समझ लो कि आपको कभी भी कोई परेशानी होने वाली है नहीं हमारी शॉप पर। तो चैनल बनाने के लाइक सब्सक्राइब शेयर करो राजू भाई SKD को, क्योंकि आपको इस पर ही पूरी वीडियो भी मिलने वाली है। बीच में दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, क्योंकि काम बहुत सारा है इसके अंदर। सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे के आए हुए थे, और अभी ऑलमोस्ट एक बच्चों का भी देखते हैं कितना और समय लगता है इसके अंदर। तो देखो जी ये फाइनली ये हो चुकी है कंप्लीट वायरिंग, जो कि मैं आपको दिखा रहा था स्टार्टिंग में काम चल रहा था इसका। अब देख लो ये है प्रॉपर, आप कहीं से जज करो कि कहाँ वायरिंग हुई है, कहीं पर भी कोई भी वायरिंग नहीं, असला कंपनी की वायरिंग हुई है जो भी है। ये लुक चेकआउट कर लो इसकी पूरी की पूरी, इसके अंदर हार्नेस लगी है, बिना हार्नेस वाली भी है इसके अंदर जो लगी हुई है, बट आप जज करो क्या लगा है। देखो ये मैं आप लोगों को पता क्यों दिखाता हूँ, आप लोगों को दिखाने का मेरा मोटिव ये होता है कि कहीं भी आप और काम करा रहे हो तो वहाँ पे बेवकूफ़ ना बने, सामने वाले से सवाल जवाब जरूर कर सो कि भैया ये बताओ इसके अंदर जो काम करो बिना वायर कटिंग कर रहे हो, प्रॉपर कर रहे हो, जुगाड़ कर रहे हो, सब आपके सामने हो, क्योंकि देखो भैया यहाँ बैठे हुए हैं सामने, ये अपनी आँखों के सामने काम करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, पीछे काम कभी किसी नहीं करते, सामने करते हैं आप हम। और देख लो वायरिंग कहीं से भी आपको दिख रही हो तो बताओ, कहीं से कहीं तक नहीं नज़र आने वाली ये वायरिंग, क्योंकि अब हम इसके बाद कर रहे हैं इसका टैंक पैक, और टैंक पैक करने के बाद इसकी जो ऑल ओवर मॉडिफिकेशन है वो पूरी आपको चेकआउट कराऊंगा कि इसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या और लगा है और नहीं लगा,
जो लगा है वो भी, जो नहीं लगा वो भी, सारा कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल वो वायरिंग चेकआउट करा दी। ये मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करने का होता है कि आप लोग भी सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे नकली फर्जी पता नहीं क्या क्या जो बोला वो वर्ड कम है, तो उनसे बचें, सिर्फ स्कैमर से बचें, मेन बात यह है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इसके अंदर स्टार्टिंग में भैया कहाँ से आए थे, कितने बजे आए थे, उसका बीच में मैं आपको दिखाया मैंने कि इसके अंदर वायरिंग का वर्क कैसे होता है। और मैं आपको ये एडवाइस दोबारा से देना चाहूँगा, जब भी वायरिंग का काम कराओ ना, तो चाहे किससे करो, प्रोफेशनल से करवाओ, क्योंकि खोलना तो हर किसी हर कोई कर देता, बट जो प्रॉपर फिटमेंट वाला काम है वो हर किसी के बस की नहीं होता। तो इसलिए हमेशा प्रोफेशनल पर जाइए जो भी काम होता है वायरिंग का, खासकर उसके लिए, अदर पार्ट के लिए भी वैसे तो नहीं, तो ठोका पिटी से कुछ फिट करने का कोई फायदा है नहीं। और अब मैं दिखाता हूँ आपको बाइक की मॉडिफिकेशन के इसके अंदर क्या क्या हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ कॉम्बो किट का पार्ट्स जो कि आपको मिलेंगे इसके अंदर। देखिए, एक आपकी ये रही हेडलाइट ग्रिल, एक मिलता है आपको GPS माउंट, एक मिलता है आपको इसके अंदर मास्टर सिलेंडर कैप, एक मिलता है आपको इसके अंदर रेडिएटर गार्ड, एक मिलता है सम गार्ड, फिर आपको दो मिलते हैं इधर देख सकते हैं मास्टर सिलेंडर, एक आपका ये रहा, एक आपका ये रहा, और एक होता है इसके अंदर ये टॉप रैक प्लेट। ये है आपके कॉम्बो किट का पैकेज जो कि इसके अंदर लगा हुआ है। इसका जब भी आप आए तो आठ चीज़ें आपको मिलती हैं एक ही बॉक्स के अंदर, और प्राइस भी इसका होता है कम से कम मिनिमम वाला, क्योंकि हमारे खुद की मैन्युफैक्चरिंग है इसलिए आपको कम प्राइस में ये चीज़ें मिल जाती हैं। और अब बताता हूँ, तो ये जो हेडलाइट है ना, इस हेडलाइट ग्रिल का सबसे बड़ा यूज़ होता है कि जब भी ऑफ रोड में जाते हैं क्या होता है, आगे भी राइडर्स हैं, पीछे भी राइडर्स हैं, आगे राइडर जो जा रहा है उससे कुछ पत्थर वगैरह आके लगेगा, हेडलाइट आपकी हो जाएगी डैमेज, खराब हो जाएगी, स्क्रैचेस आ जाएंगे, इसे लगाने से हेडलाइटों की प्रोटेक्ट, साथ में लुक भी काफ़ी इनहेंस हो जाती है इसे लगाने के बाद। और उसके बाद आपको दिखाऊंगा वाइजर जो कि लगा दिया गया इसके अंदर, इसी का हिमालयन 450 का जनरल फिटमेंट वाला, कोई जुगाड़ नहीं, गोल्डन सिंपली आपका इजी टू फिटेड है, ये आपका ट्रांसपेरेंट है जो लगा दिया गया। आप चाहो तो इसके अंदर ब्लैक भी ले सकते हो, स्मोक ब्लैक वाला वो भी आपको मिल जाता है, जैसे कि आपने वीडियोस में देखा भी होगा वो। और उसके बाद आपको देखने मिलेगा नीचे, आप देख सकते हैं ये लगाया है इसके अंदर फॉक्स लैडर जो कि प्रॉपर फिटमेंट में फिट कर दिया गया है। देख सकते हैं ब्लैक बाइक है तो ब्लैक ही इसके अंदर लिया गया है, जिससे आपका शॉकर सेफ होता है, डिस्प्लेट सेफ होती है, और आपका मरगाड़ भी सेफ हो जाता पूरी तरीके से, और लुक भी काफ़ी नाइस हो जाता है इसे लगाने के बाद। और उसके बाद दिखाता हूँ आपको इसके अंदर लगा दिया गया, देख सकते हैं ये है GPS माउंट जो कि मैंने बताया कॉम्बो किट का पार्ट, ये लगा दिया गया। इसे लगाने से क्या, आप जैसे मोबाइल होल्डर ना आपका इधर इजीली फिट हो चुका है, वरना मोबाइल होल्डर फिट होता है इस तरफ, तो ये लगा दिया गया। इसके साथ में बोबो का ओरिजिनल मोबाइल होल्डर, अब तक आपने देखा था सिमटेक के मोबाइल होल्डर, बट बोबो की वैरायटी बहुत सारी रेंज मेरे पास आ चुकी है, इतनी रेंज है कि आप आगे खुद कहोगे कि भैया इतना सारा माल बोबो का, ये बोबो का ओरिजिनल है जो कि आपको लगा देगा, और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी, मतलब सच बताऊँ तो सिमटेक का मैं वैसे लगाता हूँ ज़्यादा, ऐसा नहीं बेकार है वो, बट इसके आगे वो मेरे को नहीं लगता जमेगा। अगर वो किसी को क्वालिटी चाहिए ना तो सिमटेक को भूल जाओगे आप, जब भी आप आओगे एक बार वैरायटी चेक जरूर करना, सिमटेक की भी इसकी भी, सिमटेक अपनी जगह अच्छा है बट बोबो अपनी जगह अच्छा। और ये मिलता है आपको पूरा वाटरप्रूफ और फुल्ली वाटरप्रूफ है, देखिए इसके अंदर कोई भी मोबाइल आपका इजीली फिट हो जाएगा, ये देखिए काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है जो देख सकते हो आप, बहुत ही ज़बरदस्त लुकिंग के अंदर आपको मिल जाता है। और इसमें आपको चार्जिंग चाहिए, नॉन चार्जिंग चाहिए, वायरलेस चाहिए, वाटरप्रूफ वायरलेस चाहिए, सारे इसके अंदर मेरे पास अवेलेबल हो चुके हैं आपके ये वाले मोबाइल होल्डर बोबो वाले। और अब दिखाता हूँ आपको फ्रंट के अंदर आपको मिलेगा हैंड गार्ड जो कि देख सकते हो लुक काफ़ी इनहेंस हो जाता है इसे लगने के बाद, और ये है प्रीमियम क्वालिटी वाले हैंड गार्ड जो कि इसके इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इससे आपके लीवर और हैंड ये होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट, फुली प्रोटेक्शन चीज़ें इसने इंस्टॉल कर दी गई है। लुक चेकआउट करो, इसमें कलर आपको और भी कुछ चाहिए तो सारे कलर अपने पास अवेलेबल हैं, चाहे आप ट्रांसपेरेंट ले लो, चाहे ले लो आप रेड ब्लू ग्रीन, सारे कलर अपने पास अवेलेबल है इसके जो भी आपको चाहिए। और ये होती है इसकी मेटल की रो जो कि लगा दी गई है, इससे मिलती है फुल सेफ्टी आपके हैंड की भी और आपके लीवर की भी। और एक चीज़ और इधर आइए, आपको दिखाता हूँ जो स्मोक उनके लिए, इधर दिखाना भाभी आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप माफ़ करना, इनके लिए नहीं कह रहा मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके लिए है। ये है लाइटर जलाने वाला सिस्टम जो कि लगा दिया है, अगर वो किसी को परेशान तो भाई इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें वैसे दे रखा है इसके लिए, इसको होल बंद करने के लिए। आप चाहो तो इसमें लाइटर भी मतलब सिगरेट भी ला दो, वैसे ना ये इसको होल को बंद करने के लिए है कि जिससे होल बंद रहे, बाकी इसके अंदर इन्फ्लेटर वगैरह यूज़ करना हो वो आपके यूज़ हो जाएगा,
और जो एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज है वो भी इसके अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं कार वाले, तो ये उसके लिए बेसिकली इसके अंदर लगाया गया है। साथ में आप चाबी ऑन करेंगे, इसके अंदर देखेंगे ये आपको बैटरी का वो मिलेगा, टेम्परेचर इधर आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर USB चार्जर पोर्ट जो कि दो पोर्ट है इसके अंदर लगा दिए गए हैं, और ये होते हैं फास्ट चार्जिंग वाले। इससे आपका कोई भी फ़ोन आप इजीली चार्ज कर सकते हो, और आप चाहो तो बंद करेंगे, इसमें बैक साइड बटन है देख सकते हैं, ये आप बटन बंद भी कर सकते हो, ये देखिए ये हो गया बंद। और अब दिखाता हूँ आपको एक और चीज़ फ्रंट में, ये पहले आगे आपको दिख रही होगी इसमें बहुत बड़ी बड़ी फॉग लैंप, ये आपकी ओरिजिनल फॉग लैंप जो कि मिलती है आपको HJG ओरिजिनल, और साथ में इसमें लगा देगी HJG ओरिजिनल ही हार्नेस, ये आपको 70 वॉट की जो कि मिलती है आपको बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की। और अब मैं इसकी दिखाता हूँ आपको रोशनी के किस तरीके की रोशनी इसकी होने वाली। चाबी कर दी ऑन, चाबी ऑन करने के पहले इसके निकाल लेता हूँ, येलो कवर है इसके, आप चाहो तो कवर लगा येलो भी कर सकते हो, अदरवाइज घर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये निकल गया एंड आपका ये भी निकल गया। अब करते हैं पहले स्टार्ट, नहीं बिना स्टार्ट चलाएंगे, तो ये देखिए ये आपका हो गया वाइट, काफ़ी तेज़ रोशनी इसके अंदर, दिन के अंदर समझ लो इतना उजाला कर दिया इसने तो रात में क्या होगा, समझ लो रात तो आपकी अपनी हो गई, सामने का पता नहीं आपकी अपनी ज़रूर हो जाएगी। साथ में इसमें देख सकते हैं फ्लैक्चुएशन ब्लिंकर, ये भी इसके अंदर मिल जाते हैं आपको हैज़ार्ड के साथ, 1 2 3 ये तीन पैटर्न्स इसके अंदर आपको मिलते हैं हार्नेस के साथ। साथ में जो इसका बटन है, इधर आइए बटन दिखा दो आपको, ये होता है इसका मेटल वाला बटन जिसके अंदर लाइटिंग चलती है, ये भी आपको इसके साथ ही मिलता है जो कि इसके अंदर कनेक्टिविटी होती है इसकी। और इसके बाद दिखाता हूँ आपको एक और चीज़, एक और फॉग लैम्प जो कि आपको देखने मिलेगी ऊपर की तरफ, देख सकते हैं ये HJG मिनी है इसका नाम, HJG मिनी विद डेविल, इसकी मैं आपको रोशनी चेकआउट करा देता हूँ कैसी आती है। ये देखिए ये आपकी येलो, ये आपका रेड डेविल, और इसके बाद आपको मिलेगा येलो वाइट येलो, साथ में ये देख सकते हैं ये इसके फीचर्स हैं जो कि आपको देखने मिलेंगे कुछ इस तरीके से, काफ़ी प्रीमियम है जो कि लगा दी गई है, क्योंकि जब भी हमारे पास ये बाइक आती है ना तो इसके अंदर एक फॉग लैंप से इसका गुजारा नहीं होता, इस बाइक का काफ़ी हैवी बाइक है तो इसके अंदर दो लाइट्स हैं मैंडेटरी हैं लगवाने पर, आपकी आपकी इच्छा, आप चाहे एक लगाओ दो लगाओ चार लगाओ। और इस पर जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि बैटरी पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, तो बताए तो जो ये हैवी लाइट्स हैं ना 70 वॉट वाली, इसके अंदर हमने लगा दी गई हार्नेस HJG ओरिजिनल, जिससे इसकी बैटरी पे कंजम्पशन बिल्कुल भी ज़ीरो होगा, जितना आपका इंडिकेटर या आपका पार्किंग में जो यूज़ करते हैं ना वही सेम इसके अंदर यूज़ होता है इस वाली फॉग लैंप पे। और ये तो है ही छोटी सी आपको पता ही है, तो इसमें तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं। और अब आते हैं नीचे थोड़ा सा, ये देखिए ये इसका रेडिएटर का जो लगा दिया गया हिमालयन की ब्रांडिंग के साथ, ये लगाने का सबसे बड़ा मोटिव ये होता है जो अंदर ना रेडिएटर का जो पार्ट होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है जो कि होता है एल्युमिनियम का, और एल्युमिनियम का होता है जैसे AC वगैरह के अंदर देखो ना हल्का सा प्रेशर मारा तो उसके रेशो नीचे आए थे, उसी तरीके से हम इसका होता है, तो इसको बचाने के लिए सेफ्टी के लिए इसमें लगा देगा रेडिएटर गार्ड, उसी तरीके से नीचे आपका लगा देगा इसके अंदर सम गार्ड जो कि मेटल का होता है। ये दोनों चीज़ें वैसे जो कंपनी देती है ना, अभी मैंने पैक करा दिया वरना मैं दिखाता आपको, बहुत ही सॉलिड कंपनी क्वालिटी देते हैं वो प्लास्टिक वाले, बट वो फिलहाल निकाल चुका हूँ सम गार्ड भी और रेडिएटर गार्ड भी। ये सम गार्ड करता पूरे इंजन का प्रोडक्ट, साथ में इसमें भी ऑयल फिल्टर लगा होता है उसको करता पूरी तरीके से, और ये भी मिलता है आपको हिमालयन की ब्रांडिंग के साथ, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। और अब आती है बारी क्रैश गार्ड की, ये देख सकते हैं ये वही प्रीमियम वाला क्रैश गार्ड जो हम खुद बनाते हैं, हमारे खुद की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, टॉप रैक सैडल स्टे क्रैश गार्ड, ये वही क्रैश गार्ड जो हमने बनाया है, जो आपने देखा होगा हमारी बहुत सारी बाइकों में, हिमालयन में किसी बाइक के अंदर भी इसमें मिलता है आपको फोर स्लाइडर, दो इधर दो उधर, इससे आपका टैंक और आपके लैग्स ये होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। और फिटमेंट दिखा देता हूँ आपको कैसी होती है, देख सकते हैं एक फिटिंग मिलती है आपको इस तरफ, एक फिटिंग मिलती है आपको इस तरफ, और एक फिटिंग मिलती है आपको ये देख सकते हैं फ्रंट में जो कि अटैच हो जाता है आपस में, ये होती है इसकी प्रॉपर फिटमेंट, कहीं भी ना जाने वाली। जैसे कि आपने देखा होगा राइडिंग विद पीस वाले भैया की बाइक में, सैम भैया की बाइक के अंदर, उनका हमने जब लगाई थी तो उनकी गाड़ी एक बार गिरी थी बट बाइक पर कोई भी हार्म नहीं पहुँचा था, उन्होंने अपनी वीडियोस के अंदर बोला भी हुआ है, तो वही वाला क्रैश गार्ड इसका इंस्टॉल किया हमने भी, उनका भी हम ही ने फिट किया था इसलिए। और अब दिखाता हूँ इसमें PPL वेंशन, देख सकते हो आप ये इसके अंदर कर दी के, देख सकते हैं अभी पुरानी दिख रही थी ना, अभी नई हो गई, ऐसे तो नई थी यार, 60 किलोमीटर चल के आई है सिर्फ गाड़ी है, मतलब सीधा शोरूम से डायरेक्ट फ्रॉम शोरूम। ये देखो आपको जज करके बताया इसमें कुछ हुआ है नहीं हुआ, PPF लैमिनेशन कुछ भी किसी भी तरीके की, ये होता है काम जो कि आप लोगों को पसंद आता है हमारे पास, और हमें करने में अच्छा लगता है, आपको कराने में अच्छा लगता है। और एक चीज़ और दिखाया था तो बाद में भूल जाऊँगा, ये देख सकते हैं ये जो मैंने साउंड सुनाई थी ना आपको स्टार्टिंग के अंदर, इसका जो डिकैड था ना अंदर जो किसी कैथलिंग था बड़े वाला, वो कैथलिंग निकाल कर ना डिकैड सिस्टम कर दिया गया इसके अंदर। और अब मैं इसकी सुनाई था आपको साउंड पहले, वैसे मैंने आपको सुनाई थी दोनों की साउंड, कैथलिंग के साथ भी बिना कैथलिंग वाले की भी, तो इसकी साउंड सुन लेते पहले। सबसे बड़ा फ़ायदा ना तो इसका चलान होगा,
ना ही कोई पुलिस वाला रोकेगा, अगर रोक के पूछ भी था तो भैया देख ले क्या है, सब कुछ वही है ओरिजिनल, हमने कुछ लगाया ही नहीं है। तो ये होता है इसका बेनिफिट इस वाली बाइक के अंदर जो हमने लगाया है। और इसके बाद आपको दिखाऊंगा सैडल स्टे, ये सैडल स्टे लगा देंगे इसके अंदर, और सैडल स्टे प्रीमियम क्वालिटी के हैं, इतनी प्रीमियम क्वालिटी है कि इसके अंदर डबल डबल फिटमेंट मिलती है। एक तो मिलता है आपको डिटैचेबल वाले फुटरेस्ट जो कि एक पेज या दो पेज खोल के आप चाहो तो उसे निकाल सकते हो। अगर जो आपको पैनल्स वगैरह फिट करने हैं तो पैनल की वैरायटी देख सकते हो, वैरायटी बड़े वैरायटी की भरमार है हमारे पास। और अगर जो आप चाहो तो सिर्फ इसमें इसे हटाने के बाद आप इसमें जेरिकन लगाना चाहो, जेरिकन माउंट भी इसके अंदर दिया हुआ है, ये देख सकते हो जेरिकन माउंट है जो कि हमने इसके अंदर इंस्टॉल करा रखा है। इससे आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, आप चाहो तो पैनल लगवाओ चाहे सैडल बैग लगवाओ, तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है इसके अंदर। साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर देख सकते हैं ये इसकी टॉप रैक प्लेट जो कि इसके अंदर लगा दी गई है, प्रॉपर फिटमेंट है हिमालयन की ब्रांडिंग के साथ। और अब मैं दिखाना चाहूँगा आपको बैक साइड के अंदर, ये देख सकते हैं ये इसके अंदर लगा दिए गए हैं इंडिकेटर जिससे मिलते हैं डबल साइड इंडिकेटर, देख सकते हैं इधर भी आपको इंडिकेटर दिखेगा, जो साइड वाला है उसको भी नज़र आ जाएगा इंडिकेटर आपका, और ये बैक साइड को भी बोलिए बहुत तेज़ नज़र, क्योंकि ये बुलेट वाला इंडिकेटर ड्यूल साइड इंडिकेटर, क्योंकि इसके अंदर इंडिकेटर वैसे होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर में पार्किंग भी होती है इसके अंदर ही। और अब साइड में जो लगाई काफ़ी तेज़ इसकी ब्राइटनेस हो जाती है दोनों तरफ, देख सकते हैं दोनों तरफ ही मिलेंगे आपको सेम, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त रोशनी है इसकी। अंधेरे में तो समझ लो कि पीछे वाले को आप ही की बाइक नहीं रहे, खुद की तो नज़र आने वाली है नहीं उसको। और आपको सुनाता हूँ इसके अंदर हॉर्न जो कि लगा देंगे होंडा के वेव 95, उसकी भी साउंड सुना दो कैसी आती है इसे लगाने के बाद, क्योंकि इसके अंदर आता छोटा सा एक हॉर्न जैसा कंपनी से था वही हॉर्न को हमने कर दिया डबल, क्योंकि सिंगल के साथ सिंगल अटैच करेंगे तो आवाज़ में मैच नहीं होगा, मेल फीमेल होता है, इसलिए हमने इसके अंदर लगाए हैं दो हॉर्न दोनों मेल फीमेल ओरिजिनल वाले। सुनते हैं साउंड इसकी, ये है इसकी साउंड जो कि आपको कुछ इस तरीके से सुनने को मिलेगी जब रोड पर चलोगे तो आपको साइड मिलनी मैंडेटरी है इसे लगाने के बाद। इसमें लगा देंगे रॉयल इनफील्ड के मिरर, देखिए रॉयल इनफील्ड के मिरर हैं जो कि लगा देंगे इसके अंदर, लुक चेकआउट कर लो क्योंकि जो इसके अंदर लगे आते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, ये डिफरेंसेस है और ये होते हैं 360 डिग्रीज, इसको जैसे मैं रोटेट कर सकते हो अप एंड डाउन जैसे आप चाहो वैसे हो सकते हैं, और लुक चेकआउट कर लो इसकी कैसी आती है, व्यू इसके अंदर आएगा पूरा नज़र आपको। अब हो गई ये कम्प्लीट, अब मिलाऊँगा भैया से जिन भैया की बाइक है, आइए सर। फाइनली बाइक कम्प्लीट हो चुकी है, कैसा प्रतीत हो रहा है आपको? प्रतीत तो बस क्या ही बताऊं, मौज कर रखी है काम करके तो। और दूसरा भाई एक बात बता दूं, आओ तो तैयार होकर आना भैया, प्यार से और खिला पिला के मार देंगे बढ़िया खिलाते हैं और बढ़िया पिलाते हैं। और काम की तो खैर मैं 8 बजे आ गया था यहाँ, आज मैंने फ़ोन करके उठाया भैया, आज भैया के फ़ोन से मैं उठाऊँ और इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन ये भी देखो ना जब मैं आया हूँ शॉप खोलने, बिल्कुल 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 पहली गाड़ी मेरी हुई है शॉप खोलने, शॉप खोलने खुद आए हैं, और जो इन्होंने मेरे को मिलके ग्रीट करा मज़ा आ गया यार, सीरियसली मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी दुकान पर आके काम करवा रहा हूँ, ऐसा था कि मैं अपने घर बैठ के काम करवा रहा हूँ, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया फ्रेंडली है, मतलब बिल्कुल बड़े भाई की तरह काम तो सर, ये तो सर आप लोगों का प्यार है सर, जो भगवान ने हमें दिया हुआ हमारे बालाजी महाराज दिया जी, बिल्कुल दिया हुआ है इतना सब कुछ कि हम ये सब कुछ कर सकें, जिससे कि आप लोग पता क्या बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि दूर जा तो रहे हैं पर जाने के बाद यार वहाँ पर ना पता नहीं खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा कैसे मिलेगा, नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा। कई अदर शॉप पे आप जाते हैं तो अदर शॉप पे क्या होता है वहाँ आपको कस्टमर की तरह ट्रीट किया जाता है, बट यहाँ पर कस्टमर फैमिली की तरह, फैमिली बिल्कुल फैमिली, क्योंकि सिंपल सी बात है फैमिली के साथ फैमिली वाला रिलेशन बनाएंगे तभी हम आगे तक बैठ पाएंगे आपके साथ। और 25 साल से हम आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल, और आगे भी मरते दम दम करते रहेंगे, ये हमारा वादा है। नहीं बिल्कुल मजा आ गया, तो आप भी अगर कभी आना चाहो राजू भैया तो प्लीज जरूर आए, मस्ट विजिट शॉप है, आप आओ बिल्कुल, आपको ऐसा नहीं लगेगा आप कहीं और हो, आपको लगेगा आप अपने घर पे हो काम करवा रहे हो, ये बिल्कुल बड़े भाई हैं और ट्रीट करेंगे आपको ऐसे ही जैसे आपके बड़े भाई हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर आने के लिए, थैंक यू। तो आई होप आपको ये सब सुन के शायद थोड़ा सा अच्छा लगा हो, शायद बहुत से लोग अच्छा ना भी लगा हो, क्योंकि पता ना हेटर भी बहुत होते हैं, अब वो समझ चुके हैं जिनको मैं बोल रहा हूँ कौन है हेटर्स, क्योंकि बाकी तो जनता पूरी प्यार करती है हमें, जनता से कोई गिला शिकवा है नहीं। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना आपके अपने राजू भाई एसकेडी को, जो कि मिलता है आपको इंस्टाग्राम पर भी, सेम मिलेगा आपको यूट्यूब पर भी, लोकेशन मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई दी थी, आना कहाँ पर है वैसे बता भी देता हूँ, बैक साइड में मिलेगी 36 नंबर गली और फ्रंट में मिलेगा हमारा आर्य समाज रोड, और इस आर्य समाज रोड पर हमारी दो शॉप मिलने वाली है आपको, जब भी आप एंट्री मारेंगे एक तो फर्स्ट चौक पर मिल जाएगी और सेकंड वाली शॉप जो वो सेकंड चौक पर है, ठीक है ना, तो आपको कहीं अंदर घुसना ही नहीं मार्केट के अंदर, दोनों अपनी शॉप है
और बाकी एक और शॉप है उसका एड्रेस बता नहीं जरूर, तो पुरानी शॉप है वो सबको पता ही है। तो वीडियो चले चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये गलत बात, सिर्फ देख के छोड़ देते हो, क्योंकि तभी थोड़े डिस्काउंट देने में हमें मज़ा आएगा ना जब करोगे। और जल्दी मैं ऑफर्स भी लाने वाला हूँ भाई, इतना प्यार करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बनता भी है भाई का। थैंक यू, थैंक यू भाई की बात समझ लेना आप, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय मातृ दी, गुड बाय।